हेलो फ्रेंड्स, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज इस 28 वर्ष की महिला के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके क्वेश्चंस का आंसर करेंगे। इनका क्वेश्चन है कि शादी के कब तक योग आ रहे हैं, पहली चीज़। सेकेंड वन इनका क्वेश्चन है कि मेंटली स्ट्रेस कब जाएगा, ठीक है, मतलब ये मेंटली टेंशन में है, प्रेशर में है। तीसरा है कि बिहार PCS क्वालिफाई कर पाएंगी, मतलब BPSC क्वालिफाई कर पाएंगी या स्टेट PCS क्वालिफाई कर पाएंगी। तो ये इनका कुछ मूल क्वेश्चंस है, तो आइए इसके आधार पर इनका आंसर करते हैं इनके पाम के आंसर से। तो अभी मैं बता दूं, वर्तमान समय में इनका एक गवर्नमेंट फील्ड के जॉब में हो चुका है, जो कि बहुत प्रतिष्ठित पद है, SI का पद है, उनमें इनका सिलेक्शन है, ठीक है। तो आगे के क्या योग बन रहे हैं, तो इन सब विषयों पर इनके पाम के माध्यम से चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला जो पाम मैंने देखा, तो अगर कोई इंसान मुझे बोल देगा कि सर मेरा जॉब हो चुका है, ठीक है, और मैं ये बन गया, मैं वो बन गया, मतलब कुछ भी, एनीथिंग, XYZ कुछ भी, ठीक है, तो क्या मैं ट्रस्ट कर लूँगा? मैं बातों पर ट्रस्ट नहीं करता, सबसे पहले चीज़। अगर मुझे उस टाइप से पाम में स्थिति दिखेंगी कि नहीं, इस इंसान का जॉब हो सकता है, भले ही वो झूठी बोल रहा हो कि मेरा जॉब अभी हो गया, मान लिया जाए उसके जीवन पर 2 साल के बाद आ रहे हैं, लेकिन अगर मुझे ऐसा फील होगा ना कि नहीं इंसान का जॉब हो चुका है, तो मैं तभी उसके बात पर ट्रस्ट करूँगा, उस बात को सार्वजनिक करूँगा, ठीक है। तो इन्होंने मुझसे कहा, तो मैंने इनसे कुछ भी नहीं पूछा कि क्या हुआ, नहीं हुआ, कैसे हुआ, आप मुझे ये दिखाओ। बस मैंने इनका पाम देखा और मुझे ये चीज़ फील हो गया कि नहीं, इस हथेली वाले इंसान के जीवन में जॉब तो होना ही है, अगर वो प्रयास करेगा तो ज़रूर होना है। अब मैंने एक वर्ड यूज़ किया, प्रयास। अगर इंसान मेहनत नहीं करेगा तो इंसान कुछ नहीं मिलता, तो अगर ऐसा जातक प्रयास करे तो उनको जॉब होना ही। अब मैंने ये किस लिए बोला, ठीक है, तो इस बात का भी मैं चर्चा करता हूँ। सबसे पहले तो आप इस हथेली पर देखो कि इस पे ग्रहों की ब्रॉडनेस कितनी स्ट्रांग है। शुक्र बहुत प्रबल अवस्था है और जो हायर अथॉरिटी पोस्ट पे ले जाता है, उसको कहते हैं जुपिटर। और सूर्य, ये दोनों पाम पे बहुत स्ट्रांग अवस्था में है, ठीक है, एंड साथ साथ चंद्रमा और साथ साथ फेट लाइन, दो फेट लाइन बन के इनकी हथेली पर चल रही है। तो ऐसे अवस्था में जॉब तो निसंदेह, नो डाउटफुल जॉब होना ही होना है, ठीक है, कि ग्रहों की स्ट्रेंथ अच्छी है, कोई ग्रह वीक नहीं है। और प्रशासनिक विभाग में जैसा इन्होंने बताया, तो सारे जो नॉर्म्स हैं वो इनके हथेली पूरा कर रही है, ठीक है। उसके बाद थंब भी स्ट्रांग है इनका, कोई टेंशन वाली बात नहीं। तो जॉब तो इनका है ही है, अगर इनको कोई दिक्कत भी होगी तो जॉब तो इनका श्योर एंड सर्टन है कि आज निकल तो होना ही है। इन्होंने कहा कि इनका सारा कुछ हो चुका है, तो मैंने इनके हथेली से देखा, मुझे कंफर्मेशन मिला कि नहीं, इनकी हथेली में वो बात है, वो ताकत है कि इनको जॉब वो दिलवा दे, ठीक है। तो इनका आप क्वेश्चंस का एक एक करके आंसर करते, तो बोले मानसिक टेंशन में है। तो अब ये बहुत से वजहों से ये मानसिक टेंशन में इंसान हो सकता है, अब ये चीज़ मैंने इनसे नहीं पूछी, लेकिन इन्होंने मुझे कहा तो मुझे साफ साफ इनकी हथेली पर फील हो रहा था कि ये जो कुछ लाइनें जब बने किसी की हथेली पर ना, इस प्रकार की, ठीक है, तो ये माइंड रेखा पर कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शन इंडिकेट करता है। और ये कब ज़्यादा फलित हो जाता है, जब जीवन रेखा माइंड रेखा में अलगाव हो, ठीक है। तो ये अलगाव तो सबसे पहले एक नेगेटिव चीज़ को दर्शा रहा है कि आप बहुत ज़्यादा थिंक करोगी, आप इंडिपेंडेंट सोच की होगी तो होगी ही, ये तो श्योर एंड सर्टन है, लेकिन आप बहुत ज़्यादा थिंक करोगी और बहुत ज़्यादा सबकी मिजाज की होगी, पॉजिटिव नेचर होगा, क्योंकि जुपिटर पर से अगर माइंड रेखा चली जाए और जुपिटर में यहाँ पर से हल्का दबाव हो, तो दाम्पत्य जीवन के सुख में भी कभी कभी कमी कराता है और रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम कराता है। अगर आप किसी से क्लोज हो जाओ या फिर किसी से, मतलब आपको अच्छा लगने लगे किसी के साथ, मतलब किसी रिलेशन में हो, तो वहाँ से भी चीज़ें जो है ना विपरीत होती है, इट मीन्स कि वहाँ से भी चीज़ें आपकी, आपको टेंशन क्रिएट करती है, उस रिलेशन में प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो ये बेसिकली ये चीज़ था, मैंने इनसे नहीं पूछा कि इस बार टेंशन में, इंसान के 100 बजा हो सकते टेंशन के, लेकिन मेरे हिसाब से शुक्र में कुछ लाइनें बनी हुई हैं, तो इसके आधार पे इंसान के रिलेशन में प्रॉब्लम आती हैं। और जब ऐसी माइंड रेखा रहे तो इंसान टेंशन स्ट्रेस में इंसान का जीवन रहता है, ये सच्चाई है, ठीक है। तो ये स्ट्रेस में होंगे, इनका स्ट्रेस कब दूर होगा ये इनको जाना था। देखो 30 के बाद आपकी माइंड रेखा में स्मूथनेस आ रही है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक इंडिकेशंस तो आ रही हैं कि 30 के बाद आपकी स्थितियां सुधरेंगी। और इनकी माइंड रेखा पे एक चीज़ अगर आप फील करो, तो इस पीरियड में ये लगभग 35वें साल के आयु के पास ये कुछ मुझे यव टाइप की आकृति फील हो रही है, ठीक है। अगर ये यव है, ये यव तो है, क्यों है, क्योंकि इस यव का ऑरिजिन यहाँ से चला,
ठीक है, आप देख लो इस माइंड रेखा से चला, और कहीं ना कहीं इस यब का अभी से थोड़ा बहुत साइड इफेक्ट, निगेटिव इम्पैक्ट इनको आ रहा है। ठीक है कि अब बहुत से पाम पे देखा है कि ऐसी ऐसी रेखाएं होती है, तो वैसी कुछ विशेष टेंशन वाली बात नहीं होती। इट मींस कि इंसान टॉलरेटेबल होता है, टॉलरेटेबल होता है, लेकिन ये यब का इनको कहीं ना कहीं अभी से साइड इफेक्ट आ रहा है कि इंसान के लाइफ में सब कुछ, अब इनका जॉब हो गया है, ग्रहों की स्ट्रेंथ अच्छी है, लेकिन फिर भी इनको थोड़ा सा माइंड संबंधी मामले में प्रॉब्लम, मतलब मेंटल स्ट्रेस है। तो इसका मैं परफेक्ट रेमेडी दूंगा। आप देखो इस रेमेडी से ये यव तो नहीं जाएगा, लेकिन यव का जो, अगर आप ठीक से फील करो ना, यव का जो पोर्शन है वो बहुत छोटा है। ठीक है, वो बस मेंटल स्ट्रेस देके ही छोड़ देगा, इससे ज़्यादा वो कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, क्योंकि बाकी ग्रहों की स्ट्रेंथ आपकी हथेली पर काफ़ी अच्छी मुझे दिख पा रही है। तो इसके अकॉर्डिंगली, इसके आधार पर मैं बता सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ कि कुछ समय है। देखो तो ऐसे तो आपकी 29-30 में बहुत आपको रिलीफ फील होगा, इस यव का अगर अभी से रेमेडी करोगी ना, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें भी आपके जीवन में चली जाएगी, आपको स्ट्रेस वगैरह होगा ही नहीं। तो पहला क्वेश्चन तो ये था, सेकंड था स्ट्रेट पीसीएस। तो देखो जैसी आपकी हथेली है, भाग्य रेखा का तो पूर्ण 100% सपोर्ट आपको मिला पड़ा है, एकदम यहाँ से चला आपका भाग्य रेखा, और दोहरी भाग्य रेखा बन के ये भी आगे एक्सटेंड की है, और सरकारी क्षेत्र से लाभ के लिए जुपिटर तक भी एक भाग्य रेखा जा रही है। तो देखो ये अधिकारी का पाम तो है ही, इसका क्या रीज़न है ना कि यह एक, देखो सूर्य रेखा की दो दो सूर्य रेखा निकली हुई, तो टैलेंट को इंडिकेट कर रहा है, टैलेंटेड होंगी, मंगल से आया है तो कहीं ना कहीं जमीन जायदाद भी बनाएंगी अपने जीवन में, और यहाँ से भी एक रेखा बड़ी एक्सटेंड की और आगे भी सूर्य रेखा डेवलप कर रही है। और जब ऐसी कुछ स्थिति सूर्य रेखा की बने, और साथ साथ में बार बार कहता हूँ कि सूर्य रेखा अगर एक्सटेंड कर जाए, लंबे हो जाए, जुपिटर की स्ट्रेंथ आपकी अगर ठीक हो, देखो इनको जुपिटर इनकी ठीक है, क्यों है, क्योंकि यहाँ से हल्का सा दबाव है और यहाँ से ये थोड़ी प्रॉब्लम है, तो ये एक पॉइंट ऑफ व्यू से, एक प्रोस्पेक्टस से नेगेटिव जा रहा है, इनके दाम्पत्य जीवन के सुख में कमी करा रहा है। ठीक है, और या फिर रिलेशन में प्रॉब्लम करा रहा है, बाकी प्रोस्पेक्टस जो वैल्यू मान सम्मान के प्रोस्पेक्टस, इनका जुपिटर बली है, कुछ क्रॉस के इंडिकेशंस बन रहे जो कि फैमिली कंडीशन में सुधार इंडिकेट करता है। मेनली इनका सूर्य बहुत प्रबल इनकी हथेली पर है, जो कि स्वयं गवर्नमेंट है, और चंद्रमा बहुत प्रबल है। तो कहीं ना कहीं स्टेट पीसीएस के लिए आप ट्राई करो, आपकी पाम में तो एलिजिबिलिटी है, अब आपकी मेहनत पर डिपेंड करेगा आप कितने मेहनत करो। देखो जीवन रेखा भी अच्छी है, कोई विशेष राहु लाइन नहीं है, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, हल्की से यहाँ पर थी, तो ये लगभग 29वें वर्ष की आयु आ रही है, इनकी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, बाद में इनके जीवन रेखा में कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, और ये आयु को लेकर टेंशन मत लेना, आयु अच्छी है आपकी, क्योंकि ये इसकी दो तीन वजह भी मैं आपको बता दूँ। एक मंगल रेखा तो यहाँ तक चली, दूसरी आयु रेखा यहाँ तक, ये लगभग आपकी 60 वर्ष की है, और यहाँ आगे सट रही है, मिल रही है, और उसके बाद आपकी आयु रेखा ये बन रही है, तो मेरे ख्याल से ये आयु रेखा बढ़िया ही मानूंगा मैं। ठीक है, अब किसी के एज किसी के बस की बात नहीं है, तो वो नहीं बता सकता हूं, लेकिन हाँ एक अधिकारी का पाम है ये, क्योंकि जीवन रेखा पर कोई मूलभूत प्रोग्रेस रेखा नहीं मुझे दिख पा रही है, लेकिन हाँ बाकी चीज़ें आपको सपोर्ट कर रही हैं आपकी हथेली को। हाँ, अपनी इस भावनाओं को व्यक्त करने में इंसान को प्रॉब्लम आता है, बुद्ध फिंगर छोटी जा रही है, तो इंटरव्यू वगैरह में आपको प्रॉब्लम आ सकता है, जिस भी जॉब में इंटरव्यू होगा, तो आप उसके लिए थोड़ा अभी प्रयास करना शुरू कर दो, बाद बाकी चीज़ें पॉजिटिव वे में जा रही है आपकी हथेली पर। ठीक है, तो ट्राई करो, मे बी चांसेस है कि हो जाए, क्योंकि अगर हथेली में कुछ चीज़ें पॉजिटिव वे में जाए तो मैं बोल देता हूँ इंसान को ट्राई करने के लिए, नहीं भी जाए तब भी मैं इंसान को एक मेहनत करने बोलता हूँ, क्योंकि देखो मेहनत जो है ना ये बहुत बड़ी चीज़ है, अगर आप सार्थक मेहनत करोगे ना अपने जीवन में, तो कहीं ना कहीं उसका आपको अच्छा फल आएगा। अब एक चीज़ पर आज थोड़ा चर्चा हो जाना चाहिए, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। बहुत से लोग मुझे कहते हैं कि सर जो मेहनत करेगा वो अच्छा कर ही लेगा, तो इसमें ग्रहों की क्या क्या इंपॉर्टेंस आई, इसमें ग्रहों की क्या आप बता रहे हो कि नहीं इनकी हथेली है यही कुछ कर पाएगा, मतलब कॉन्ट्राडिक्ट लोग करते हैं इस ज्ञान को। इट मीन्स कि लोगों का कहना ये है कि जो इंसान मेहनत करेगा वो अच्छा कर ही लेगा। अब मैं एक चीज़ बताता हूँ, आपकी जुपिटर चल रही है, ठीक है, आपकी बात सही है, आपकी मेहनत करने वाले इंसान को पूर्ति होती है, नो डाउट पूर्ति होती है, तो एक एस्ट्रोलॉजर क्या अहम भूमिका निभाता है मैं बताता हूँ। सबसे पहले गंवाने और खोने में सबसे पहला एक चीज़ कॉमन होता है आपका इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अगर आपको पैसे कम कमाना है तो आपको इन्वेस्ट करना होगा, नहीं कमाना है तो इन्वेस्ट करना होगा, ये एक कॉमन चीज़ है। ठीक है, गंवाना है तो भी इंसान इन्वेस्ट करता है, एक चीज़ कॉमन है इन्वेस्टमेंट, तो मेहनत आपका इन्वेस्टमेंट है। अब आपके जीवन में राहु आपका बहुत वीक है, आपकी राहु की महादशा या अंतरदशा आपकी कुंडली में चल रही है, तो आपके जीवन में उसके रिगार्डिंग नेगेटिव फल आएंगे। आप जाओगे तो सही रास्ते पर, लेकिन पता चलेगा कुछ कुछ तरह से चूक रहे हो आप, कहीं कहीं परेशानियाँ आप आ रही है, मेंटली स्ट्रेस में हो, मेंटली दबाव में हो, और आपकी जुपिटर बहुत स्ट्रांग है, उसकी महादशा आपके जीवन में चल रही है, आपकी हथेली से भी काफ़ी अच्छी दिख पा रही है, तो क्या आपको कामयाबी नहीं मिलेगी? ज़रूर मिलेगी। तो कहीं ना कहीं उस ग्रहों की जो आपके जीवन पे स्ट्रेंथ है, वो जो ग्रह आपके जीवन पे फलित हो रहे हैं, चल रहे हैं, उसकी महादशा चल रही है, तो उसके रिगार्डिंग आपको पॉजिटिव इफेक्ट मिल रहा है, तो आप जीवन में अच्छा करोगे। तो बस यही एक कंसेप्ट है, यही डिफरेंस है, लोग इसको समझ नहीं पाते। अगर आपके अच्छों ग्रहों की स्थिति, आपके पाम पे अगर ग्रहों की स्थिति अच्छी हो और उसके समय से आप गुजर रहे हो,
ठीक है। अब मूलतः अगर सब ग्रह अच्छे हों तो ऑब्वियस सी बात है जीवन में बहुत कम ही तकलीफ रहता है जातक को, क्योंकि मूलतः वो सब समय को वो झेलते हैं और जीते हैं, ठीक है। तो इस पर एक बृहद चर्चा होगी एक दिन, इस विषय पर, बहुत इंटरेस्टिंग विषय है, बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को, ठीक है। कोई मैं अनलॉजिक बात नहीं करूँगा, सीधा सीधा लॉजिक की बात करूँगा कि अगर आपकी कुंडली या हस्तरेखा में ग्रहों की स्ट्रेंथ अच्छी हो, ठीक है, या फिर आपकी हस्त विद्रेखा में जब मैं हस्तरेखा एनालिसिस करता हूँ तो बृहस्पति अच्छा हो, सूर्य अच्छा हो, तो इंसान को कहीं ना कहीं मान प्रतिष्ठा सम्मान वो दिलाता है। इंसान अगर वैसा काम करेगा तब तो उसको मान प्रतिष्ठा मिलेगा, तो उसकी बुद्धि विवेक भी उसी टाइप की चलती है, ठीक है। अब किसी का शनि प्रधान रहता है, बहुत ज़्यादा राहु की प्रधानता रहती है, पाप पे कुछ विपरीत योग बन रहे तो वो डाकू चोर गुंडा उंडा ये सब बनता है, ठीक है, जिसको गलत चीज़ से पैसा कमाना है। तो सब चीज़ें आपके हथेली पर ही हैं, बस देखने का तरीका होता है, बताने का तरीका होता है, ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ एक्स्ट्रा मैं बताता हूँ, ठीक है, बस सब चीज़ें आपकी हथेली पर। तो इनके हथेली का जो तीसरा क्वेश्चन था, हाँ, इनके हथेली पर सारे ग्रहों में स्ट्रेंथ दिख रहा है, ये कर लेंगे, अगर ये ट्राई करेंगे तो इनके हथेली पर पूर्ण योग बन रहे हैं कि ये कर सकती है। एक दो चीज़ें नेगेटिव हैं तो उसका मैं रेमेडी इनको दे दूंगा, कहीं ना कहीं वो रेमेडी इनके लिए बहुत सार्थक साबित होगी और उस रेमेडी से इनको बहुत फ़ायदा मिलेगा। आइए इनके पाम के जनरल एनालिसिस की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले चीज़ आप देखो तो इनकी फिंगर को, तो देखो सबसे पहले इनकी फिंगर देखो क्या कह रही है। तो देखो ये धार्मिक आस्था रहेगी, जुपिटर फिंगर जा रही है, सैटर्न और सूर्य, सूर्य फिंगर लंबी है, सूर्य की माउंट अच्छी है, इंसान बहुत हिम्मती रहता है, हिम्मत में तो कहीं कोई दिक्कत नहीं, किसी भी टेंशन को इंसान झेल पाता है। और सूर्य फिंगर अगर सैटर्न की तरफ अटैच रहा है, सैटर्न में यहाँ पर हल्का दबाव फील हो जाए, इंसान लेबोरियस भी काफ़ी ज़्यादा होता है। फिजिकल एबिलिटी तो इनकी अच्छी दिख रही है हमें, दुध थोड़ा निगेटिव जा रहा है, तो ये क्या है ना, अपनी भावनाओं को प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे, शेयर नहीं कर पाएंगे, थोड़े शाई नेचर के हो सकते हैं, साईपन रहेगा, ऐसे में इंटरव्यू में इनको प्रॉब्लम आ सकती है। तो अभी से इस पर वर्क करें, अपनी हेजिटेशन को ख़त्म करें। फिर देखो तो समझदारी की लुक काफ़ी अच्छी बन पा रही, बुध के नेगेटिव होने के बावजूद इनकी समझदारी की लुक कितनी उत्तम बन रही, तो इंसान काफ़ी समझदार होगा, इंसान प्रेरित करने वाला होगा, इंसान अपनी भाव अपने विचारों से अपनी बातों से किसी को प्रेरित कर दे, इतना इसमें कैपेबिलिटी रहती है। फिर देखो जुपिटर की माउंट प्रबल है, हल्का सा यहाँ से दबाव है तो रिलेशन में प्रॉब्लम, और अगर इनकी माइंड रेखा वहाँ तक आ गई, थोड़ी सी माइंड संबंधी में बहुत इंडिपेंडेंसी होती है ऐसे जातकों को, ऐसे लोग किसी के अंडर काम नहीं कर सकते, ऐसे लोग बहुत इंडिपेंडेंट होते हैं, ऐसे लोग को ईगो प्रॉब्लम होता है, सबसे बड़ी क्या होती है ना, ऐसे लोग को ईगो बार बार हर्ट होता है, गुस्सा बार बार आता है, ज़रा सा इनके विरुद्ध कोई काम हो गया तो इनको बहुत गुस्सा आ जाएगा, ऐसे लोग गुस्सा में ही रहते हैं हर टाइम, ये प्रॉब्लम रहती है। तो ये थोड़ा कहीं ना कहीं आपके लिए परेशानी का सबक भी हो सकता है, इसको थोड़ा नियंत्रण करें, और यही चीज़ आपको स्ट्रेस दे रही है मेनली, ठीक है, वो भी मैं आऊँगा उस पर भी आऊँगा। जुपिटर पे क्रॉस की इंडिकेशन से हल्की हल्की गुरु वाले भी है, तो कहीं ना कहीं पैसे मैनेज करने की क्षमता, गुरु की नेगेटिविटी को दूर करने में, फैमिली कंडीशन सुधार में ये अच्छी स्थिति होती है। और इनको शादी को लेकर क्वेश्चन था, तो कहीं ना कहीं जुपिटर की वजह थोड़ा लेट हो रही है इनकी शादी, और सेकेंडरी कैंड शादी की लाइन मुझे एग्जैक्टली नहीं दिख पा रही है, थोड़ी लेट इनकी दिख पा रही है, या से हल्की सी फील हो पा रही है, थोड़ा लेट जा रहा है इनकी शादी विवाह का लाइन, तो कहीं ना कहीं ये भी एक रीज़न हो सकता है। तो दो रीज़न की वजह से आपकी शादी लेट हो रही है आपके हथेली, अगर आप ठीक से देखो तो यहाँ से हल्की सी दिखती है आपको फील होगी, तो ये भी कहीं ना कहीं 30 वर्ष की आयु डिनोट कर रही है, और जुपिटर की स्थिति जैसी है वो भी 30 वर्ष की आयु डिनोट कर रही है, क्योंकि शुक्र इनका बढ़िया है लेकिन शुक्र में कुछ वरीड की लाइनें हैं, तो बेसिकली क्या है ना, ये बैलेंस तो कर रही है लेकिन वरीड की लाइनें ज़्यादा हैं, तो कहीं ना कहीं रिलेशन में प्रॉब्लम और शादी विलंब से होना इन चीज़ों को दर्शा रही है। तो मूलतः 30 तक के अंदर आपकी शादी हो जानी चाहिए, 30 तक के अराउंड, ठीक है। फिर देखो तो अब देखो कभी कभी क्या होता है ना, शादी विवाह में प्रेडिक्शन नहीं करता, अब लड़के लड़कियाँ बोलते हैं कि मैं तो अभी मिलूंगी जानूंगी ये करूंगी वो करूंगी, तो योग तो आपके एक साल पहले बने थे, आपने एक साल उसको एक्सटेंड कर दिया, शादी तो आपको करना ही करना है, तो कहीं ना कहीं वो प्रेडिक्शन में कभी कभार ना 6 महीने साल भर का डिफरेंस आ जाता है। मैं सच्ची बोलता हूँ, मैं अपने मन से कुछ बना बना के कुछ नहीं बोलता, मैं हमेशा सच्ची बोलता हूँ, ठीक है, ऐसा भी होता है, इसलिए मैंने बताया। सैटर्न देखो तो सैटर्न क्या है ना, सैटर्न प्रशासन विवाह को कहीं ना कहीं सैटर्न में डिनोट करता है, सैटर्न न्यायप्रिय होता है, इंसान न्यायप्रिय होता है, इंसान में बोली में न्याय होता है, इंसान लोगों के प्रति अच्छा भावना रखता है, तो कहीं ना कहीं एक न्यायता की भावना आपकी सैटर्न से रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। तो ये सैटर्न आपको मेहनत का फल भी देगा आपके जीवन में, और कहीं ना कहीं आप एक न्यायप्रिय व्यक्ति भी हो, और चूंकि सैटर्न की झुकाव जो है सूर्य की तरफ आपको एक्सटेंड करते हुए नजर आ रही होंगी, तो ये कहीं ना कहीं पिता से संबंध में थोड़ी सी खटास उत्पन्न करता है, या पिता का सुख कम मिलता है, तो ये चीज़ें बेसिकली ये रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। सब केसेस में ऐसा नहीं भी हो सकता है लेकिन मैक्सिमम केसेस में ऐसा होता है, संबंध खराब की स्थिति बनती है। फिर देखो इनकी स्थिति सूर्य, तो इनका सूर्य बहुत स्ट्रांग इनके हथेली पर जा रहा है, तो ये अपने में गवर्नमेंट है, सूर्य मींस गवर्नमेंट जॉब तो आपको तय है, होना ही है, सूर्य आपका प्रबल हो, बृहस्पति प्रबल हो, चंद्र प्रबल हो, फेट लाइन का साथ मिल रहा हो, तो गवर्नमेंट जॉब के लिए तो आपको कहीं सोचने की जरूरत ही नहीं है। बहुत से पाम देखे हैं सर, बहुत से पाम देखा हूँ मैं, और उसके अनुसार बता रहा हूँ कि सूर्य सबकी हथेली पर अच्छा ही पाया जाता है।
फिर देखो तो बुद्ध, बुद्ध थोड़ा सा वीक ज़्यादा, तो इंसान वही मैं बताऊँ शाही नेचर का होगा, हेजिटेशन रहेंगी, कभी कभार बुद्धि विवेक बिगड़ भी जाएंगी, इंसान कभी कभी हड़बड़ी में गलती भी कर देगा ऐसा जिसका उसको पछतावा जिंदगी भर रहेगा। तो ये थोड़ा सा निगेटिव ज़्यादा इसका मैं रेमेडी दूंगा। फिर देखो इनकी हथेली पर सैटर्न सूर्य, तो सूर्य रेखा पैतृक संपत्ति की तरफ से आ रही है, तो पैतृक संपत्ति का साथ तो बहुत अच्छा इनको दिखा है इनकी हथेली पर, आगे भी एक्सटेंड कर रही है, एक मंगल की तरफ से जा रही है, एक यहाँ से भी बढ़ रही है, तो ये मेनली ना मल्टी टैलेंटेड दर्शा रही है, इंसान काफ़ी टैलेंटेड होता है, इंसान में टैलेंट की कोई कमी नहीं रहती। मंगल क्षेत्र से सूर्य रेखा आ जाए तो इंसान अपने रीजन में, अपने आयु में, अपने रीजन इट मीन्स अपने जीवन में वो बहुत धन संपत्ति बनाता है, ठीक है, ये तो इंडिकेशन दिख रही है। फिर देखो इनकी मंगल, तो इनकी मंगल की पोर्शन जो है ना काफ़ी स्ट्रांग दिख पा रहे हो आप, लॉजिकल होंगी, और अगर कोई प्रशासन विभाग में जॉब के लिए जा रहा है, तैयारी कर रहा है, तो कहीं ना कहीं मंगल की स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है, तो दोनों मंगल इनका बैलेंस कर रहा है, तो फिजिकली एबिलिटी इनकी बहुत अच्छी होगी, फिजिकली बहुत स्ट्रांग होंगी। फिर देखो इनके चंद्रमा, बेसिकली लड़कियों का पाम पे ऐसी मंगल की स्थिति बहुत कम देखने को मिलती है, ठीक है। तो फिर देखो इनके चंद्रमा बहुत ब्रॉड है, इंसान को लाख टेंशन आ जाए लेकिन इंसान कहीं ना कहीं शांति ढूंढ ही लेता है, लेकिन चंद्रमा इनका इतना बली है ना, इंसान की पर्सनैलिटी अच्छी देगा, बोल्ड पर्सनैलिटी देगा, कहीं ना कहीं इंसान अपनी भावनाओं को व्यक्त कर पाएगा, लोगों से अच्छा संबंध रहेगा, लोगों से जुड़ाव कर पाएगा इंसान, और लोगों के क्षेत्र में कुछ काम कर पाएगा, लोगों के लिए कुछ कर पाएगा, पानी से बनी हुई चीज़ें अच्छी रहती है, और एक बार फॉरन से योग भी आने के बहुत प्रबल चांसेस है कि एक बार विजिट करने के लिए भी लोग जाएँ। था जीवन भागा दौड़ी वाला रहेगा इनका, कुछ लाइनें बन रही है तो जो कि इंडिकेशन दिखा रही है कि इंसान के जीवन में भागा दौड़ी रहती है। एक बहुत अच्छी रेखा जो चंद्र इसको सपोर्ट करते हुए निकल रही है, जो कि कहीं ना कहीं फेट लाइन की काम कर रही है इनके हथेली पर, उसको मैं चंद्र लक भी कह सकता हूँ, और ये फेट लाइन चंद्र लक से निकल के आ रही है, तो कहीं ना कहीं इंसान अपने कार्य क्षेत्र में ज़्यादा उन्नति करता है अपने जीवन के 27वें वर्ष के बाद से, ठीक है। फिर देखो इनके शुक्र, तो इनके शुक्र जो है काफ़ी ब्रॉड है, हाँ टेंशन की लाइन है, बहुत स्ट्रेस, तो फैमिली टेंशन रिलेशनशिप में प्रॉब्लम ये मेनली रिप्रेजेंट कर रही है, लेकिन शुक्र में ब्रॉडनेस है तो इंसान को लग्जरी का सुख वो बहुत अच्छे तरीके से मिल जाएगा। कुछ लाइनें बनी हुई हैं जो कि कहीं ना कहीं इनकी लग्जरी के सुख में अवरोध नहीं, कहीं ना कहीं इनको दे रही है, और ये जो है ना शुक्र पर ये जब ऐसे कुछ जारी नुमाकृति बनी रहे किसी के भी हथेली पर जैसा मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, तो ये कहीं ना कहीं रिलेशन में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, टेंशन क्रिएट करता है, ऐसे इंसान दिल के बहुत अच्छे होते हैं लेकिन इंसान को उसका प्राइड नहीं मिलता, उसका जश नहीं मिल पाता, ये प्रॉब्लम रहती है। फिर देखो इनकी थंब, तो थंब बहुत ही स्ट्रांग इनकी है, फर्स्ट सेकंड दोनों अच्छा, यव का फॉर्मेशन एंड सपोर्ट बहुत अच्छा इनको मिल जाएगा इनके जीवन में, डिजायर्स की एक बहुत पूर्ण लाइन है, तो इंसान अपना जीवन को सुख में व्यतीत करना चाहता है, इंसान की डिज़ायर्स लंबी रहती है कि मुझे ये करना है मुझे वो करना है, तो डिज़ायरेबल पर्सनैलिटी रहेगी, और लॉजिकल प्लस इच्छा शक्ति दोनों बहुत अच्छे, तर्क इच्छा प्लस तर्क शक्ति दोनों बेस्ट जा रही है इनकी। फिर देखो मंगल बहुत स्ट्रांग है, हाँ टेंशन की लाइन है तो ऐसे में माता का स्वास्थ्य थोड़ा प्रभावित रहता है, लेकिन जब ये जब स्ट्रेस की लाइन है तो इंसान टेंशन भी बहुत देता है, फालतू की बातों को भी सोचते रहता है, वो बहुत दिमाग में चलती रहती है। जीवन रेखा बहुत अच्छी है, जीवन रेखा को ये देख के मत कहो कि आपकी आयु कम है, एक मंगल रेखा यहाँ से भी आगे बढ़ गई और ये फिर इसके बाद ही जीवन रेखा आपकी ये हो रही है, ये भाग्य रेखा आपकी जीवन रेखा हो रही है, कहीं ना कहीं आपको दीर्घायु योग प्रदान कर रही है, ठीक है। तो बेसिकली इनका जीवन रेखा ठीक है, कुछ ऐसी लाइनें बनी हुई जो कि इनके माइंड रेखा का ब्रांच है, तो ये बेसिकली इंसान के दिमाग की क्षमता को बढ़ाता है, कहीं ना कहीं एक ऐसे बल प्रदान करता है जो इंसान ज़्यादा सोच पाए, ज़्यादा वर्क कर पाए, मतलब माइंड संबंधी एनर्जी प्रदान करता है, ये माइंड रेखा का ही कुछ ब्रांच है, ये बेसिकली राहु लाइन नहीं है, एक राहु लाइन है इनकी 29वें वर्ष की आयु में, तो उस समय हो सकता है इनको थोड़ी बहुत तकलीफों का सामना करना पड़ सकता है उस समय, ठीक है, ये नॉर्मल है, या कुछ अपने मन से चला भी जा सकता है क्योंकि नॉर्मल है, कोई बहुत विशेष नहीं है। तो अब इनका क्वेश्चन था माइंड रेखा में, तो कोई स्ट्रेस की लाइन है, मंगल रेखा जैसा मैंने दिखाया कि ये मंगल रेखा इनको अच्छी खासी आयु प्रदान करेगा, जीवन से लड़ने की क्षमता प्रदान करेगा। फिर देखो मेंटली स्ट्रेस की स्थिति यहाँ पर पूर्ण बन रही है, 28-29 मतलब 25 से लेकर तो काफ़ी मेंटली स्ट्रेस में 2-3 साल की अवधि में, कि वहाँ से मुझे साफ दिख पा रहे इनकी हथेली पर, और आगे फिर ठीक है इनका, फिर एक यव का फॉर्मेशन जैसा मैंने अर्लियर बताया, इसके लिए मैं कुछ रेमेडी दूंगा आपको, देखो ये मेडिटेशन वगैरह से चला जाएगा, ठीक है, अगर आप टेंशन लोगे तो टेंशन होगा क्यों, फिर आगे आपकी माइंड रेखा बहुत प्रबल है, हार्ट लाइन बहुत प्रबल है, देखो हार्ट लाइन में कुछ दिक्कतें मुझे दिखी, देखो कुछ ब्रांचेस ऐसे आपको फील आ रहे जो सीधे जा रही है, ये सब क्या फ्लड जो लाइनें बन रही है ना, इट मीन जो लाइनें निकल रही है कहीं ना कहीं आपकी बहुत इमोशनलता को दर्शा रही है, आप बहुत इमोशनल होंगी, ठीक है, और इस इमोशंस में हो सकता है आपसे कभी कभार गलती भी होती होंगी, तो ऐसे इंसान बहुत इमोशनल होते हैं, जुपिटर तक गई है, इमोशनल तो बना ही देगा आपको, और रूटीन को फॉलो करने वाले होते हैं, डेडिकेशन रहती है, लेकिन हार्ट लाइन दिल के मामले में ऐसे इंसान थोड़े कमज़ोर होते हैं, ठीक है। तो अब आप इसको कौन से पॉइंट से ले रहे हो पता नहीं, बट कमज़ोरी स्थिर अवस्था में जिससे आपको लगाव रहेगा, अगर वो आपके प्रति कुछ गलत करे तो आपको बहुत दिक्कत होगा, तो कहीं ना कहीं ज़्यादा लगाव नहीं रखना लोगों से, और बैलेंसिंग डिस्टेंस जा रही है, तो वो माइंड की तो शार्प हो, माइंड में तो कोई दिक्कत नहीं है, हाँ फिलहाल अभी 29वें वर्ष तक थोड़ा दबाव आपको आपकी हथेली पर मुझे दिख रहा है। अब देखो फेट लाइन, फेट लाइन तो इनके ये यहाँ से निकल के
चली फेट लाइन, ठीक है, जीवन रेखा से निकली ये फेट लाइन, ये बहुत अच्छी मानी जाती है। और यहाँ पर हल्की सी मुझे फेस्टू आकृति यहाँ पर फील हुई, तो कहीं ना कहीं इसको बल प्रदान करे इस फेट को, और आगे भी चल कर यही फेट लाइन आपकी जीवन रेखा भी बन जाएगी। ठीक है, यहाँ से चल कर यहाँ देख लो, ये भी आपकी जीवन रेखा भी यही बन जाएगी। और एक फेट लाइन और चलिए आपकी हथेली पर, जो कि एक्सटेंड कर रही है, जो कि लास्ट पीरियड तक जा रही है, सरकारी क्षेत्र से लाभ में जुपिटर तक फेट लाइन जाती ही जाती है, देखो इनके भी जा रही है, तो कहीं ना कहीं यही इसी वजह से इनको सरकारी क्षेत्र से लाभ मिला। और इनकी जो फेट लाइन है ना वो बहुत ही अच्छी है, चंद्र से भी निकल के बढ़ी, तो मतलब जीवन में इनको सुख मिल रहा है इनके फेट लाइन के द्वारा। इनके जो एक्टिवेट एज है वो 26 वर्ष की है, उसके बाद इनके फेट लाइन का एक्टिवेशन पीरियड आगे भी दो तीन बन के निकली हुई है। यहाँ भी देखो आप, एक यहाँ बन के निकल गई, एक यहाँ चली गई, ठीक है, एक यहाँ भी ऐसे एक निकल गई, तो ये भी कहीं ना कहीं फेट लाइन का ही ब्रांच है जो कि आपको शक्ति प्रदान कर रहा है। तो और एक मल्टीपल प्रॉपर्टी का योग भी डेवलप कर रही है, तो कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी वगैरह भी आप बना पाओगे अपनी लाइफ में। फिर देखो सूर्य रेखा, सूर्य रेखा भी इनकी हथेली पर कमज़ोर नहीं है, बहुत स्ट्रांग सूर्य रेखा है, जो कहीं ना कहीं दर्शा रही है कि इंसान काफ़ी डेडिकेटेड होता है, काफ़ी कंसंट्रेट होता है, कहीं ना कहीं हायर अथॉरिटी पोस्ट को जरूर पाता है। तो ये इनका बेसिकली पाम रीड का स्थिति थी। और चूंकि आप प्रॉपर्टी के योग भी आपकी हथेली पर प्रबल रूप से आ रहे हैं आपके जीवन के 33वें वर्ष के बाद से, फिर चंद्र पर भी कुछ एक बड़ी ट्रायंगल की स्थिति आपकी बन रही है जो कहीं ना कहीं आपको पैसा देगी, लेकिन फिलहाल के समय में ना थोड़ी सी ये कम लाइट, कम मतलब डार्क है, तो कहीं ना कहीं अभी फिलहाल तो उतने पैसे आप एक्योर नहीं कर पाते होंगे, लेकिन टेंडेंसी जमा करने की आपको रहती होगी, मैं पैसे जमा करूँ। तो ये था इनका पाम का एनालिसिस। तो आगे आपके योग अच्छे आ रहे हैं आपकी हथेली पर, आप ट्राई कर सकते हो, क्योंकि ये फेट लाइन भी आगे एक्सटेंड कर गई, आगे भी यहाँ से निकल गई, यहाँ से भी दौड़ी जो बन गई जुपिटर तक चली गई, फिर आगे भी यहाँ एक्सटेंड कर गई, तो कहीं ना कहीं इंसान अगर ट्राई करे, प्रयास करे, तो इंसान की ज़िंदगी में वो सब कम्फर्ट इंसान हासिल कर पाता जो इंसान चाहता है। तो स्थितियाँ अच्छी जा रही है आपकी हथेली पर। मेन आपके ग्रहों में बहुत अच्छी ब्रॉडनेस है, जनरली लड़कियों के पाम पे ऐसा ग्रहों की ब्रॉडनेस नहीं देखी जाती है, तो बेसिकली आपको ये प्रदान कर रही है शक्ति एनर्जी, आप कर सकती हो, आपकी हथेली पर भी योग आ रहा है, आप ट्राई करो। और स्ट्रेस आपके 29 वर्ष के बाद आपको खत्म होती हुई नजर आएंगे, और उसके रिगार्डिंग जो रेमेडी मैं आपको दूंगा। और अगर आपको हमारा ये मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करो, लोगों को शेयर जरूर करें। अगर आप हमसे प्रश्न परामर्श लेना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेकर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।